हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको गास्केट कटर के बारे में बताऊंगा। आप जानते हो कि जो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको पता ही होगा कि मेन होल का गास्केट या तो फ्लैंज जॉइंट का गास्केट और काफ़ी साइज़ का गास्केट काटना पड़ता है जो रेडीमेड अवेलेबल नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारा टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है, लेकिन ये गास्केट कटर की मदद से आप इजीली गास्केट को काट पाओगे। जैसे कि कोई बड़ा मेन होल का आपको गास्केट काटना है तो उसका ओडी और आईडी अपनी जो सीट है उसके ऊपर मार्किंग कर लेने का है। बाद में ये गास्केट कटर के मशीन में उसको फिट करने का है और प्रेस करके बाद में उसको हैंडल की मदद से घुमाते जाने का है। जहाँ जहाँ अपना मार्किंग किया हुआ है पेंसिल या बॉल पेन से, उसके ऊपर कटर को घुमाते रहने का है। आप देख सकते हो कि कितना ईजी ये घूम रहा है और धीरे धीरे गास्केट कटर की मदद से गास्केट में कटिंग चालू हो गया है। आपका गास्केट का थिकनेस अगर ज़्यादा होगा, सीट का थिकनेस ज़्यादा होगा तो टाइम 2-3 राउंड घुमाना पड़ेगा। अगर अपना सीट का थिकनेस कम होगा तो 1 राउंड में भी ये गास्केट कट सकता है। और अगर आपका लंबे से टाइम के बाद गास्केट कटर का जो ये जो व्हील है वो थिकनेस शार्पनेस कम हो जाएगा तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना ईजी ये बड़ा गास्केट है 500 mm का, वो कितना जल्दी इजीली कट हो रहा है। आपने देखा हो कि काफ़ी लोग वो सीजर की मदद से या चीजल की मदद से ठोक ठोक के गास्केट काटते हैं, उसमें इंजरी होने का भी चांसेस रहता है और लंबा टाइम लगता है। लेकिन ये गास्केट कटर की मदद से देखो कि कितना इजी काम हो रहा है। एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका, आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने वर्कशॉप में और इजीली गास्केट को काट सकते हो। ये 2-3 राउंड घुमाने के बाद देखो ये गास्केट कटिंग चालू हो गया है, अभी पूरा गास्केट कट जाएगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप देख सकते हो कि गास्केट कट के रेडी हो गया। अब आप उसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगा के यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।